नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कवि वरवरा राव को 6 महीने की अंतरिम जमानत। किसान आंदोलन के 90 दिन, सरकार का अड़ियल रुख और किसानों के बुलंद हौसले। बीजेपी नेता संजीव बालियान को करना पड़ा मुर्दाबाद के नारों का सामना। कोरोना अपडेट, देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.5 लाख के पार हुई। हमारी पहली खबर में हम बात करेंगे 82 वर्षीय कवि वरवरा राव की, जिनको आज बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 6 महीने की मेडिकल जमानत दी। उनका इस समय मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा है। राव भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किए गए थे और 28 अगस्त 2018 से न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की सुनवाई का इंतजार भी कर रहे हैं। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ ने सोमवार को आदेश दिया कि अस्पताल से छुट्टी के तुरंत बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने कहा कि राव को अपना पासपोर्ट NIA की अदालत में जमा कराना होगा और वह इस मामले में सह अभियुक्तों से किसी तरह का संपर्क स्थापित नहीं करेंगे। जमानत के लिए यह रीट याचिका उनकी पत्नी हेमलता ने दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया कि उचित चिकित्सा सुविधा न देकर एवं कैद में रख वरवरा राव के मौलिक अधिकारों की अवहेलना की जा रही है। भीमा कोरेगांव का यह मामला 31 दिसंबर 2017 में पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने से जुड़ा है। पुलिस का दावा है कि इस भाषण की वजह से अगले दिन कोरेगांव भीमा में हिंसा फैली। 90 दिन हो गए, ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के हौसले की परीक्षा ले रही है और किसान भी हर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। कल रविवार को पंजाब के बरनाला में किसानों ने एक बड़ी रैली की। इस रैली में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के लोग और महिलाएं शामिल हुई। इस विशाल शक्ति प्रदर्शन के बाद किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्रहन ने कहा कि ये इतिहास में पहली बार है जब फासीवादी और सांप्रदायिक सरकार को चुनौती देने के लिए भारत में इस तरह के बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच अखिल भारतीय किसान सभा अगले हफ्ते राजस्थान के कृषि बहुल इलाकों में कई किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय किया है, जिन्हें राकेश टिकैत और आमरा राम समेत कई किसान नेता संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के अनुसार प्रदेश में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक लगातार कई किसान महापंचायतें की जाएंगी। ऐसी पहली महापंचायत हनुमानगढ़ जिले के नोहर में आज यानी 22 फरवरी को हुई। आइए देखते हैं वहां से न्यूज क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट। अब मोदी सरकार जो कानून लेके आई है MSP की बात करती है कि MSP के साथ में कोई छेड़खानी नहीं है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, क्योंकि हमारे इलाके में 40% इलाके में सिंचित इलाका है और जो गेहूं उत्पादन होता है, जिसे सरकार गेहूं और चावल पे MSP दे रही है अभी भी और सरकार वादा कर रही है कि MSP का, सरकार कैसे MSP पूरी दे पाएगी? मात्र गांवों के अंदर इलाके के अंदर 15% लोगों को MSP मिल पाता है, क्योंकि किसानों के पास में इतने संपन्न नहीं है कि हर किसान के पास में ट्रैक्टर या फिर ट्रांसपोर्ट के साधन हो, क्योंकि जाने के लिए मंडी के जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जाना पड़ेगा और जो ऐसे मानिए कि वो साधन नहीं ले पाए, किराए करके ले जाता है मंडी के अंदर साधन, तो तीन तीन चार चार दिन तक तो इतनी भीड़ है यानी मैनेज नहीं कर पाता है वहाँ पे। मंडी का सिस्टम है जो पूरा करप्शन ही फैला एक तरह से, तो कैसे मैनेज कर पाएगा? तीन दिन तक को ट्रॉली खड़ी है तो किसान तो किराए में मार खा जाएगा। और बात करते हैं मात्र पूरी की पूरी जैसे कमाई है किसान की, वो तो किराए में निकल जाएगी और फिर ये चुनावी जो MSP की बात करते हैं खाते में रुक जाता है, महीना लग जाता है, दो दो महीने लग जाते हैं, तो किसान तो खेती पर निर्भर है, फसल के ऊपर निर्भर है, तो कैसे मिल पाएगी? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं सरकार, तो ये सब जुमलेबाजी है। डीजल पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं इससे मतलब डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, जैसे कोई भी चीज हो, मतलब खाद हो, बीज हो, ये होता तो ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बोर जो चलाई जा रही है, ट्यूबवेल है, वो डीजल पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली के कनेक्शन है, आज यदि आप जनरल की फाइल लगाओ तो 15 साल तक बिजली कनेक्शन नहीं आता, इसलिए लोग अपने जो ट्रैक्टर है उससे चलाते हैं और 1 घंटे के अंदर 4 लीटर डीजल खाता है। 100 रुपए का भाव का डीजल खा, यदि 400 रुपए का डीजल तो वो 1 घंटे में खा गया, और 3 घंटे जब ट्रैक्टर चलता है तो 1 बीघा जमीन लगती है, इसलिए एक बार यदि फसल की पानी लगाए ना तो 1200 रुपए का डीजल खा जाता है, इसलिए इससे मतलब किसानों की कमर टूट चुकी है।
बढ़ दे भाव से डीजल और पेट्रोल से किसान बिल्कुल खराब हो चुका है, उसकी बर्बादी कर जा रहा है। इसके बाद 23 फरवरी को सरदार शहर व सीकर में, 25 फरवरी को मेहंदीपुर बालाजी व 26 फरवरी को पदमपुर मंडी और घड़साना मंडी में ऐसी किसान महापंचायतें होंगी। बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर। 3 कृषि कानूनों को पास कर किसानों को अपने खिलाफ करने के परिणाम लगता है बीजेपी के सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के शामली में खाब चौधरियों से मिलने पहुंचे बीजेपी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को गांव वालों ने मुर्दाबाद के नारों के साथ भगाया। संजीव बालियान खाब के चौधरी के बाबा सूरजमल से कृषि कानूनों को लेकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्हें किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा की रिपोर्ट। दोस्तों, कुछ दिनों पहले तक मुझे इस बात को लेकर चिंता थी कि किसान आंदोलन को क्या होगा, क्या किसान आंदोलन बिखर रहा है। मगर देश का किसान, जिसे मीडिया ने लगातार टारगेट किया है, पूरे प्रचार तंत्र ने लगातार टारगेट किया है, वो बार बार ये प्रमाणित कर रहा है कि सरकार के दम के सामने वो किस तरह से अपनी सूझबूझ से, अपनी ईमानदारी से अपने आंदोलन को पुनर्जीवित कर रहा है। और उसके प्रमाण एक एक करके मैं आपके सामने देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, संजीव बालियान शामली पहुंचते हैं। दोस्तों, शामली पहुंचते हैं और वहां पर उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। इस वीडियो में देखिएगा, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। संजीव बालियान बाहर निकलते कहते, 10 लोगों के नारे लगाने से कोई मुर्दाबाद नहीं हो जाता। शायद संदीप बालियान, जो सामने हकीकत दिखाई दे रही है, जो आईना दिखाई दे रहा है, उसे देखने से इनकार कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए, फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा। संजीव बालियान की मुसीबतें यहां खत्म नहीं होती हैं। अब ये वीडियो देखिए दोस्तों, एक बुजुर्ग किसान नेता, उन्हें उठने तक में तकलीफ हो रही है। संजीव बालियान उनसे मिलने गए हैं। ये बुजुर्ग किसान नेता उनसे कह रहा है कि तुम यहां से चले जाओ, गुलाम मत बनो। और बेशक उसके शरीर में कोई ताकत नहीं है, मगर वो अपनी आवाज किस आत्मविश्वास से रख रहा है, यह आपको सुनना होगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस किसान आंदोलन में हमें बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें सामने उभर कर आई, और एक तस्वीर मैं आपको आगे भी बताऊंगा, आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ। मगर दोस्तों, इस बुजुर्ग किसान की बात सुनिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो कह रहा है, गुलाम मत बनो। और वो ये भी कह रहा है कि यहां से चले जाओ, संजीव बालियान के लिए संदेश है, सुनिए। संजीव बालियान को दोस्तों इसी तरह से विरोध करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, इस बात से गृह मंत्री अमित शाह बेहद चिंतित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी 22 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 83 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 9,695 मरीजों को ठीक किया गया है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,10,05,850 हो गई है, जिनमें संक्रमण के कारण 1,56,385 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 97.21% यानी 1,06,99,410 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, और एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.36% यानी 1,50,055 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 1,11,16,854 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 31,681 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में दी गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 21,15,51,746 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें से 6,20,200 सैंपलों की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। We'll be right back.